अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुतबा खान किचन। अगर आपने मेरे चैनल रुतबा खान किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं लौकी की नारियल वाली बर्फी। इसके लिए हमने ले लिए लौकी, ले लिए हमने 500 ग्राम, बादाम ले लिए हमने 50 ग्राम, हमने लिया है गरी का बुरादा 250 ग्राम, हमने ले लिए चीनी, दूध ले लिया है हमने 500 ग्राम आधा लीटर, 3 छोटी इलायची ले ली है। पहले हम अपनी लौकी को घिस लेंगे इस तरह से। हमने कढ़ाई रख ली है और हम इसमें दूध डाल देंगे। जो हमने 600 लीटर दूध लिया था वो इसमें उबाल आने तक पकाएंगे, फिर अपनी लौकी ऐड करेंगे। दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें लौकी ऐड कर देंगे। हमने फुल क्रीम दूध लिया था, और इसे पका लेंगे। लौकी में दूध सूख चुका है, इसमें 2% दूध रह गया। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हमने ले दी 150 ग्राम चीनी। चीनी डालकर हम पकाएंगे इसे। हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। हम अच्छे से इसका पानी सुखा लेंगे। हलवे में हमारे दूध सूख चुका है, जो हमने चीनी डाली थी उसका पानी भी सूख चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये नारियल का बुरादा, बादाम, छोटी इलायची। नारियल के बुरादे से हमारा टेस्ट बर्फी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और अपना लौकी को ठंडा करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। हमने लौकी को हल्का सा ठंडा कर लिया है और हम इसे एक ट्रे पर निकाल लेंगे। और इसकी फ्रीज में रख देंगे हम 1 घंटे के लिए। बाद में इसकी बर्फियां काट लेंगे। तो हम इस पर थोड़ा नारियल का बुरादा डाल देंगे। इस तरह से हम सारा बुरादा इस पर लगा देंगे और फ्रीज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। हमने अपने बर्फी, लौकी की बर्फियां निकाल ली हैं फ्रीज में से और इसकी बर्फियां काट लेंगे। इस तरह से इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। हमारी लौकी नारियल की बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें।